हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इंडस्ट्रीज में हम लोग जो भी केबल्स का यूज़ करते हैं वो जो है हीटअप होने का आखिर क्या रीज़न है, और साथ ही में मैं आपको जो है सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इंडस्ट्रीज में हम लोग जो भी पावर केबल्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पावर केबल में एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो हम लोगों का केबल जो है ऑटोमेटिकली हीटअप होगा। और ये जो है एक जनरल रीज़न है, क्योंकि अगर हम लोग जो लोड पे लगा के रखें अगर वो लोड धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा तो हम लोगों का करंट भी जो है उस केबल से बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। अगर उसका टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री तक आता है तो ये जो है एक बहुत अच्छा टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पे जो है आपको कोई भी खतरा देखने को नहीं मिलता है। अगर वो टेम्परेचर अबव 70 डिग्री चला जाता है तो वो जो है हम लोगों के लिए एक रिस्की हो सकता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आखिर कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके वजह से हमारे केबल हीटअप होते हैं। हम लोग जो केबल का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अगर उसे MCB में यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी टर्मिनल बॉक्स में यूज़ कर रहे हो, तो उस जगह में जो है टाइटनेस भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर रखती है इस टेम्परेचर के लिए। तो आपको जो है ये टाइटनेस भी जो है देख लेना है कि केबल हमारा जो है बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं है। आपको जो है एक सर्टेन टाइटनेस उस जगह में देना पड़ेगा जैसे कि वो करंट को सही से जो है डिसिपेट कर सके, नहीं तो अगर वो लूज रहेगा तो हीट जनरेट होना एक मामूली सा बात हो जाएगा। केबल कंडक्टर रेजिस्टेंस, यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि हम लोग जो केबल यूज़ कर रहे हैं अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा और हम लोग जो उसमें से करंट फ्लो करवा रहे हैं अगर वो बहुत कम है, तो इस टाइम क्या होगा कि हम लोग जो भी करंट अगर पास करवा रहे हैं वो जो है रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, यानी कि जो भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका खुद का एक रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस के वजह से क्या होगा कि कंडक्टर के चारों तरफ यानी कि सरफेस में जो है हीटअप जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले अपने फुल लोड करंट को देख लीजिए, और फुल लोड करंट के हिसाब से जो है आपको केबल का सिलेक्शन करना है। और केबल इंस्टॉल एरिया, यानी कि आप जो है केबल को कौन से जगह में लगाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस जगह में केबल को लगा करके रखे उसके बगल में कोई एक दूसरा सोर्स है जहां से हीट जो है जनरेट हो रहा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम लोग कौन से जगह में केबल को लगा रहे हैं, और उस जगह में जो है कोई दूसरा सोर्स नहीं होना चाहिए हीटअप का, नहीं तो वो जो है हीट हमारे केबल पर इफ़ेक्ट करेगा और उसके जो है सरफेस पर हीटअप होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जॉइंट, यानी कि हम लोग जो भी कंडक्टर बीच में कहीं पर एक जगह जॉइंट कर रहे हैं तो वो जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, और वो जो है टेक्निकली पूरे तरीके से सही होना चाहिए। यानी कि आप जो केबल को एक जगह में क्रिम्पिंग कर रहे हैं तो वो क्रिम्पिंग जो है एकदम प्रॉपर होना चाहिए। केबल का क्रिम्पिंग अच्छे से नहीं होगा तो उस जगह में जो है हीट जनरेट होना एक नॉर्मल सी बात है। क्रिम्पिंग करने का जो साइज भी है वो केबल के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका केबल जो है 1 square mm का है और आप जो है उसमें 1.5 या फिर 2 square mm का जो है लगा रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जो है XLPE केबल का बात कर रहा हूँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैंने आपको जो है बताया कि किस किस वजह से जो है हमारे कंडक्टर्स में हीटअप जो है जनरेट हो सकता है, तो आप अगर इन सभी बातों को ध्यान देंगे तो आपके केबल में जो हीटअप है वो जो है 80% चांस है कि वो जो है कम जाएगा। तो गाइस, मैंने अभी आपको जो भी बातें बताया यही है रीज़न केबल हीट होने का, और इस रीज़न को अगर आप दिमाग पे रख के अगर केबल को कहीं भी अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो केबल जो है हीटअप होगा ही नहीं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे बताने का टेक्निक अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।